अभिषेक बच्चन पर सुपरस्टार बनने का दबाव ना रहा होता तो वो न जाने कब खुद को एक बढ़िया अभिनेता के तौर पर स्थापित कर चुके होते। नाम में बच्चन जुड़ा तो सबने उनमें कलाकार नहीं सुपरस्टार ही देखा। वो अभिनेता अच्छे हैं, बशर्ते निर्देशक को उनके अभिनय की सीमाएं पता हो। वो ड्रामा फिल्मों में बढ़िया काम करते हैं। गुरु, युवा, बंटी और बबली, सरकार, धूम और मनमर्जिया जैसी फिल्में उनके अभिनय का एक ऐसा ग्राफ खींचती है जिनमें उनको खुद को एक अभिनेता के तौर पर आगे ले जाने का प्रयास दिखता है। इन फिल्मों के बीच तमाम फ्लॉप फिल्में भी है, लेकिन अपनी दूसरी पारी में अभिषेक एक बेहतर अभिनेता दिखने लगे हैं। द बिग बुल इसकी एक और बानगी है। फिल्म द बिग बुल एक मसाला फिल्म नहीं है, ये सीधी रेखा पर चलती फिल्म है जिसकी कहानी आज के समय में एक पत्रकार के जरिए सुनाने का तरीका इसके निर्देशक कुकी गुलाटी ने अपनाया है। कुकी के लिए ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट है और जी जान लगाकर उन्होंने फिल्म बनाई अच्छी है। द बिग बुल शेयर बाजार की कहानी हेमंत शाह नाम के एक काल्पनिक किरदार के जरिए कहती है। फिल्म का काल खंड वही है जो वेब सीरीज स्कैम 1992 का रहा है। दोनों कहानियों का सूत्र एक ही है, लेकिन हेमंत शाह जिंदगी के करीब ज्यादा लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड का पिता जब छत पर उससे कहता है, लेकिन एक दलाल दलाल ही है ना, तो उसके चेहरे पर हताशा नहीं झलकती। हेमंत के लिए हर तिरस्कार एक नया आविष्कार है। जीवन के उस जुगाड़ का जिसके जरिए उसे कंपनियों के शेयरों से माल बनाना है। हेमंत शाह जब शुरू में कहता है कि मैंने सोच समझ कर निवेश किया है और तुक्के और दांव में फर्क है, तो लगता है कि एक आम आदमी की मालदार बनाने की लालसा उससे ऐसा कहला रही है। लेकिन हेमंत शाह धीरे धीरे अपना इरादा जाहिर होने देता है। उसका भाई उसकी दुनिया में उत्प्रेरक बनकर आता है और उसका काम पूरी क्रिया प्रतिक्रिया में बस उससे आगे नहीं बढ़ने पाता। कुकी गुलाटी ने सीरीज की कास्टिंग में थोड़ी गड़बड़ की है। हो सकता है कि यहाँ उनकी कम और फिल्म के निर्माताओं की ज्यादा चली हो, लेकिन निकिता दत्ता इस फिल्म में मिस कास्ट है। महेश मांजरेकर का रुआब मजदूर लीडर सावन जैसा नहीं लगता। सौरभ शुक्ला सेबी के चेयरमैन के लिए सही चुनाव नहीं है। इलियाना डी क्रूज के किरदार का करंट वैसा सामने नहीं आया है जैसी उम्मीद उनको इस फिल्म में देखकर बनती है। अमिताभ बच्चन ने जब फिल्म दीवार में काम किया था तो कहा गया था कि ये फिल्म हाजी मस्तान की इमेज सुधारने के लिए बनी है। क्या द बिग बुल और स्कैम 1992 भी ऐसी ही कोशिशें करती है? इस पर अभी आने वाले कई बरसों तक चर्चाएं होने वाली है। पर गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि अभिषेक बच्चन ने यहाँ एक ऐसे निर्देशक के साथ तारीफ करने लायक काम कर दिखाया है जिसका करियर हंसल मेहता का दशांश भी नहीं है। फिल्म उन्होंने अपने कंधों पर एक तरह से ढोई है। कोई दूसरा कलाकार इस किरदार को बड़ा बनाने में उनकी मदद नहीं करता। अभिषेक का ये आत्मविश्वास उनकी नई आभा है। उनका ऐश्वर्य इस फिल्म से और बढ़ने वाला है। वहीं द बिग बुल स्टॉक एक्सचेंज घोटाले के मास्टरमाइंड को विलेन के बजाय मानवीय दृष्टिकोण से देखने के लिए मजबूर करती है। फिल्म का क्लाइमेक्स आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हेमंत शाह हीरो था या विलेन, या इन दोनों के बीच कोई ऐसा शख्स जो बस अच्छी जिंदगी चाहता था।